गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज। आज 23 सितंबर है और आज से अगले 7 दिनों तक अगर आप पटना में सड़कों पर निकल रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ियों से जुड़े हुए जो गाड़ी के कागजात हैं वो अपने साथ रखने होंगे। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से अगले 7 दिनों तक पटना में फिर से मेगा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 1 सितंबर से लागू हुआ, जिसके बाद पटना और बिहार में 6 सितंबर से मेगा चेकिंग अभियान जो है वो शुरू किया गया था। पटना में 6 सितंबर से जब ये मेगा चेकिंग अभियान शुरू किया गया तो इस दौरान पटना आयुक्त आनंद किशोर भी इस मेगा चेकिंग अभियान का हिस्सा रहे और इनके साथ कई आला अधिकारी भी सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर गाड़ियों के कागजात चेक करने लगे और इस दौरान कई बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं उनके कागजात फेल निकले। आपको बता दें इस दौरान कई मंत्रियों की गाड़ी के कागजात भी फेल निकले, कई मंत्रियों के बेटों के भी चालान कटे और इस मेगा चेकिंग अभियान के दौरान लोगों का आक्रोश भी जिला प्रशासन की ओर और सरकार की ओर उभर कर सामने आया। इसको लेकर पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहा पर कुछ सप्ताह पहले दंगे जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। ये सारा जो मामला है, ये सारा मामला 1 सितंबर 2019 के बाद जब नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ उसके बाद से ही ये स्थिति ऐसी उत्पन्न होने लगी और इसी को लेकर जब लोगों की तरफ से आक्रोश की बातें सामने आने लगी, लोग इस बात को लेकर आक्रोशित हो उठे कि इस तरह से सरकार सिर्फ दंड की राशि लेने के लिए उन्हें उन पर दबाव नहीं बना सकती है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एक पहल की। आपको बता दें ये पहल अन्य राज्यों में काफ़ी पहले की जा चुकी है, लेकिन पटना के जिला प्रशासन ने ये पहल की और इस पहल के दौरान उन्होंने मेगा चेकिंग अभियान को बीच में रोका और उसके बाद कुछ दिनों के लिए उन्होंने एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया, जिसमें कि लोगों की चालान ना काटकर उन्हें समझाया जाने लगा और बिहार के कई अन्य जिलों से भी इस तरह की तस्वीरें आने लगी, जहां पर जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को देश के कई राज्यों ने लागू तो किया था, लेकिन इसके बाद जब आम जनता ने इसके प्रति आलोचना व्यक्त की तो उसको लेकर फिर कई राज्यों ने इसे वर्तमान में अभी लागू नहीं किया है। तो आपको बता दें बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड, इसने नए मोटर व्हीकल एक्ट को अगले 3 महीनों तक के लिए स्थगित कर दिया है और वहीं गुजरात और उड़ीसा जैसी सरकारों ने इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू तो किया था लेकिन लोगों की आक्रोश की वजह से इसे अगले आदेश तक रोक दिया है। पता नहीं बिहार की सरकार या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार का दिल बिहार वासियों के लिए कब पसीजेगा। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर काफी आक्रोश जो है वो आम जनता में देखने को मिला था। तो आज से अगले 7 दिनों तक फिर से पटना की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर मेगा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और अगर आपने अपने कागजात सही नहीं रखे हैं, अगर आपकी गाड़ियों के कागजात सही नहीं है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको एक मोटी रकम जो है वो दंड स्वरूप आपको देनी पड़ेगी। पटना के लोगों का और बिहार के लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से देश के अन्य राज्यों ने अगले आदेश तक नए मोटर व्हीकल एक्ट को अभी लागू नहीं किया है, उस तरह से पटना के और बिहार के लोग भी ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार का दिल पसीजे और नीतीश कुमार ये जो दंड की राशि है इसको आने वाले समय में कम करें। फिलहाल आज 23 सितंबर है और आज अगर आप पटना की सड़कों पर निकल रहे हैं तो अपने सारे कागजात और हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, सारे कागजातों को अपने साथ रखें। ये एक जरूरी सूचना है और लाइव सिटीज ने सोचा कि अपने दर्शकों तक ये जरूरी सूचना पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम सुबह सुबह आपको ये सूचना देने के लिए आए हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।